हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के 3 सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांटों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट काल में उद्योगों का सराहनीय योगदान रहा है। पहली लहर में कंसंट्रेटर की कमी रही, वहीं दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा और ऐसे में हरियाणा सरकार ने बहुत ही कम समय में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया। इसके लिए न केवल कई स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए बल्कि दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसे हरियाणा सरकार चैलेंज के रूप में ले रही है। अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट संभावित तीसरी लहर में उपयोगी सिद्ध होंगे। सेकेंड वेव इस समय कोरोना की, ये ठीक है कि एक अच्छी बात है, इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और डाउनफॉल अब अच्छा आ गया है। जो हमारे 116,000 जो एक्टिव के पेशेंट्स थे वो कम होकर के और लेस देन 30,000 रह गए हैं। अब मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीक में ये हमें काफ़ी एक राहत देने वाला एक विषय होगा, जो आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक नेक्स्ट चैलेंज जो है वो नेक्स्ट चैलेंज है थर्ड वेव का। अगर कहीं थर्ड वेव शुरू होती है और उसका भी जो एक डार्क साइड वो ये है कि बच्चों में संभावित की जा रही है कि ये बच्चों के अंदर भी इफेक्ट होगा थर्ड वेव ऑफ कोरोना का, और ये एक भयंकर स्थिति भी बन सकती है। ना आए अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गई तो उसके लिए हर प्रकार की तैयारी हमको करनी होगी। उसमें ये जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं इनका बहुत बड़ा यूज़ जो है मुझे लगता है होगा।